नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं एएसएम न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। नमस्कार, मैं हूं अनूप कुमार और आप देख रहे हैं एएसएम न्यूज। मैं हूं रामनगर तहसील बाराबंकी जिले के उत्तर प्रदेश में। गेट पर खड़े हैं हम लोग। आपका शुभ नाम क्या है? भगत सिंह नाम है हमारा। आप किस पद पर हैं? ये हम वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। ये वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के। आपकी क्या वजह है, किस लिए धरना प्रदर्शन? किसानों का तहसील है, इसमें किसान जाएंगे, अपनी बात रखेंगे। धान की समस्याएं हैं, साड़ों जानवर गाय की समस्याएं हैं, और अभी धान भी नहीं तोला जा रहा है, तो किसान क्या अपने अधिकारियों से बात नहीं कर सकते हैं क्या? ये ताला आपके द्वारा डाला गया है या प्रशासन के द्वारा? प्रशासन द्वारा डाला गया है कि यहाँ पर किसान अंदर ना आवे। प्रशासन का कोई व्यक्ति यहाँ पर है या नहीं है? हमारे एक गार्ड साहब मौजूद हैं। गार्ड साहब से हमने कहा कि भैया गेट खुलवा दीजिए, तो गार्ड साहब ने कहा है कि मैं अभी बात कर रहा हूँ, हमारे अधिकारी ने ताला डलवाया है, अभी वो आए नहीं है जो ताला खोले, हम लोग अंदर जाएं अपनी बात। क्या सर आप कुछ बोलना चाहेंगे? ताला किसान लगाए हैं कि प्रशासन लगाए? प्रशासन के अधिकारी मौजूद हैं, उनसे हमने पूछा तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और ये हैं भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता, और इनसे हमने बात की। वजह क्या था यहाँ पर आने का, मकसद क्या है? मकसद है धान को लेकर जो विवाद चल रहा है, धान तौला नहीं जा रहा। धान तौलाई का? हाँ, धान तौलाई का है। कुछ छुटपुट समस्याएं किसानों की, जी 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 जी, वो समस्याओं को लेकर के यहाँ धरना हुआ था। और यहाँ एसडीएम साहब ने धरना के जिस दिन ज्ञापन दिया और बड़ी बदतमीजी पेश आए। अगर ये ताला नहीं खुलेगा तो आप क्या करेंगे? हम यहीं बैठेंगे, या तो चले आओ अधिकारी, चले आओ एसडीएम महोदय, यही जवाब दे दे। मैं तो यही कहूंगा कि उप जिला अधिकारी और ये दोनों लोग आपस में बैठकर कुछ वार्ता करें और इसका निष्कर्ष निकालें, क्योंकि आम पब्लिक को बहुत दिक्कत हो रही है अगर रास्ता बंद है तहसील का। क्योंकि रास्ता सब सार्वजनिक होता है, सबके लिए है। माना कि ये तहसील है, लेकिन समय के हिसाब से इस समय लगभग 1:30 बज रहे हैं, और उस समय कार्य चल रहे हैं तहसील के अंदर, सारे कार्यक्रम जो चलते हैं प्रतिदिन वाले। तो उस हिसाब से अगर रास्ता बंद हो जाएगा तो आम पब्लिक को भी दिक्कत होगी, अधिवक्ताओं को भी दिक्कत होगी, और प्रशासन और जो किसान नेता है, किसान के मतलब है कि किसान है, उनको भी दिक्कत होगी। और बाहर आपने हमसे बात की, इसके लिए धन्यवाद। हम बोलेंगे साधन की जगह नहीं है, तो मैंने साधन में अपना बाहर खड़ा रखूंगा, हम लोग अंदर जाएंगे अपनी बात रखेंगे, अपनी बात कहेंगे, शांतिपूर्वक से जाएंगे। जी जी। तो जैसा आपने देखा कि प्रशासन का कोई व्यक्ति यहाँ बोलने के लिए तैयार नहीं है, अभी कोई नहीं तैयार। और ये किसान कार्यकर्ता जिनसे हम बात कर रहे थे, धन्यवाद। हम प्याज खा ले तो प्याजो खाए और जूतो खाए। तो एसडीएम साहब वही कर रहे हैं, ये प्याज भी खाएंगे और जूता भी खाएंगे। साथियों, जब इंसान अपने कर्तव्यों को भूल जाता है और उसे अपने कर्तव्यों का बोध नहीं होता है, तब वो गलती करता है। हमें नहीं पता है कि एसडीएम साहब के डीएनए में क्या है, लेकिन उन्होंने बता दिया कि मेरा डीएनए बहुत ही गंदा है। क्योंकि जो एसडीएम होता है ना, अभी जैसे भाई साहब ने बताया